देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 23 अक्टूबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 25 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 16 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 165 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 846 नए मामले सामने आए, इस दौरान 792 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 12 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7577 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोविड-19 मामले, 24 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 230 है। नंबर चार, हरियाणा में आज 8 नए कोरोना के मामले, 17 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 122 है। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 193 नए मामले सामने आए हैं, 196 रिकवरी हुई है, 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 3963 है। नंबर छह, आसाम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 315 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 209 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 की मृत्यु दर्ज की गई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2519 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 378 नए कोरोना के वायरस मामले आए हैं, 464 रिकवरी हुई है, 11 मौतें दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामले 8891 है। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 14 नए कोरोना के मामले, 14 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 176 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना मामलों के 1152 नए मामले सामने आए हैं, 1392 मरीज ठीक हुए हैं, 19 लोगों की मौत हुई है, तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 13531 हैं। नंबर 10, पौंडीचेरी में आज 57 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 56 रिकवरी दर्ज की गई है, कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 454 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 54 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, कोरोना से 72 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 600 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 478 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 574 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 6 लोगों की मृत्यु हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5398 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 5 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 32 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में 9361 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 9401 रिकवरी और 99 मौतें दर्ज की गई हैं, केरल में कोविड के सक्रिय मामले 80892 हैं। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमण के मामले, मौतें कोई भी नहीं, 16 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 80 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 17 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, 14 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामले 128 है। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 174 नए कोविड-19 मामले, 141 रिकवरी हुई है और कोरोना से 2 मौतें हुई है, सक्रिय मामले 1483 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं, दौरान 494 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 906 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 3 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने हैं, 3 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की, सक्रिय मामले 29 है। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 467 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 573 लोग डिस्चार्ज हुए, 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 4747 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए, इस दौरान 8 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 105 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1632 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, 1744 लोग ठीक हुए हैं और 40 लोगों की मौत हुई है, सक्रिय मामले 24138 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 23 है, सक्रिय मामलों की संख्या अब 85 रह गई है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 38 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, 8 रिकवरी हुई है, 1 मौत दर्ज की गई है, दिल्ली में कोविड-19 के 340 सक्रिय मामले आए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 20 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 140 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 18 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 214 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 108 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 52 रिकवरी, कोई भी मौत नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 870 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 94 लोग डिस्चार्ज, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 698 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 737 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 748 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 9286 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य के आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं।